डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्को है और मैं बोलीविया का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसे सिर्फ कहानी मत समझिए, वो मेरी आप बीती है जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, जो मैंने सहा वो कोई ना सहे। मैंने अपना बचपन गरीबी में गुजारा और मेरा छोटा भाई वो भी गरीब था क्योंकि मैं गरीब था। मैं काम किया करता था बहुत छोटी उम्र से, लेकिन अपने भाई को काम करने देना नहीं चाहता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं मेहनत किया करता और अपने भाई को कुछ पैसे खर्च करने के लिए देता और मेरा भाई उससे गलत काम करने लगा था। वो नशे करने लगा था। भले ही तंबाकू का नशा था लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा, गलत संगत में पड़ गया और इसका गुनहगार मैं था। मेरा भाई लड़ाइयाँ लड़ने लगा था दोस्तों के साथ और कई बार झगड़ा बढ़ जाता। उससे वो पिट कर आता और मरहम पट्टी का खर्च भी मुझे करना पड़ता। शायद मरहम पट्टी का खर्च इतना ज़्यादा था कि हम कभी भी पैसे बचा ही नहीं पाते थे। पिट पिटा कर जब भी वो घर आता रोता हुआ, लेकिन जब भी अगले दिन उठता कहता मैं बदला लूँगा। इस तरह अगले 6-7 दिन तक घर में कसरत करता रहता, कहता मैं बहुत ज़्यादा अच्छी सेहत बना लूँगा और किसी से नहीं पिटूँगा। मुझे हमेशा लगा करता था कि ऐसी मोटिवेशन की ज़रूरत हमें होती है, लेकिन उसकी ये मोटिवेशन 6-7 दिनों तक ही चलती। उसके बाद वो कहने लगता, देखो मेरे मसल बन गए, अब मैं लड़ सकता हूँ। फिर 7वें दिन पिट कर आता और फिर से मरहम पट्टी का खर्च मुझे ही करना पड़ता। मैं एक मोबाइल शॉप पर लगा हुआ था, वहाँ से कमाई बहुत ज़्यादा कम होती थी। घर का खर्च उठाना भी जैसे मुश्किल हो रहा था और ऊपर से मेरे भाई का मरहम पट्टी का वो खर्च। मेरा भाई कब अपने उस इलाके का बदमाश बन गया था मैं समझ नहीं पाया। वो उन लोगों के साथ झगड़ा मोल लिया करता जो अमीर थे, और एक दिन ऐसे ही झगड़े ने मेरे भाई को बुरी तरह से फंसा दिया। पुलिस वाले हमारे घर आए थे और कह रहे थे कि मेरे भाई को अब जेल में डाल देंगे। मैं इतना डर गया, उनसे सौदा कर लिया था $50,000 का, और उन्होंने मेरे भाई को तो छोड़ दिया, लेकिन ये कहा था तुम पर कर्ज है, जल्द से जल्द $50,000 हमें दे दो। पुलिस वाले करप्ट थे, लेकिन मैं क्या करता, कहाँ से लेकर आता $50,000। मेरे भाई ने कहा था हम एक एक किडनी बेच देते हैं, इससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा तू बेच किडनी, मैं क्यों बेचूं, मैं मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। मेरा भाई अब भी मेहनत करना नहीं चाहता था, वो अब भी लड़ा करता था, लेकिन कुछ सुधार जरूर आ गया था। पहले 6-7 दिनों तक ही वो कसरत किया करता था, अब आने वाले 10 दिनों तक वो कसरत करता ही रहा था। 11वें दिन बेहोश हो गया। 6-6 घंटे कौन कसरत करता है, एक तो पहले से वो बहुत ज़्यादा पतला था। मैंने उसको कहा था एक ही दिन में तुम इस तरह बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन उसे लगा करता था सिर्फ कसरत करके ही बॉडी बनती है। खाता वो कुछ नहीं था, खाने के लिए हमारे घर में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था, मुश्किल से तो हम भूख मिटा पाते थे। मैंने अपने भाई को कहा था उस दुकान पर तू भी काम करने लग, तब जाकर वो कर्ज धीरे धीरे हम चुका पाएंगे। लेकिन मेरा भाई काम करना नहीं चाहता था और वो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। वो कहने लगे थे पूरे के पूरे परिवार को उठा कर लेकर जाएंगे, और मैं डर गया, मैं क्या करता। मुझे लगा कोई ऐसा काम करना होगा जिससे ढेर सारे पैसे आ जाएं और मैं वो कर्ज उतार पाऊं। वो एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। मैंने भी जैसे मरते मरते वो काम किया था। हमारे शहर के एक सबसे अमीर आदमी के पास पैसे मांगने के लिए गया था। मैं पहले ड्राइविंग का काम उसके घर पर कर चुका था, उसका ड्राइवर बना था मैं, और उसे मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन था वो बहुत कंजूस,
बहुत कम तनख्वाह दिया करता था, इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया था। लेकिन अब दोबारा उसके पास गया था मैं, नजरें झुकाए हुए। मैं रो रहा था और मुझसे ज्यादा वो रो रहा था। मुझे लगा मेरा दर्द वो समझ गया, लेकिन मैं जब उसको कहने लगा, हम दोनों कितने ज्यादा दुखी हैं, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। उसने एक चमाट लगाकर कहा था, मैं इसलिए नहीं रो रहा, साले तू तो मर, मेरा क्या जाएगा, लेकिन मेरी बेटी किडनैप हो चुकी है, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मैं तब समझा था वो क्यों रो रहा है। वो अपनी बेटी के लिए रो रहा था, मैं अपने भाई के लिए रो रहा था, दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रो रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उसने मुझे धक्का दिया और कहा, साले तू तो मैले कपड़े पहन कर आया है, चला जा यहां से। मैंने कहा, मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरी ये बातें सुनकर उसने कहा था, मेरी बेटी कैसे वापस आएगी बता मुझे, मैं पुलिस वाले को कह चुका हूं, पुलिस वाले उस इलाके में जाने से डरते हैं, मैं आर्मी वालों को कह चुका हूं, वो कह रहे हैं देश की सुरक्षा जरूरी है या तेरी बेटी जरूरी है, मैं क्या करूं, कैसे अपनी बेटी को बचाऊं। मैंने उसको कहा था, आप प्राइवेट आर्मी बनाइए, आपके पास इतने पैसे हैं, प्राइवेट आर्मी बनाइए और उस आर्मी को मैं लीड करने को तैयार हूं, अगर आप मुझे पैसे देंगे। उसने कहा, कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, $50,000। तब उसने मेरी आंखों में देख कर कहा था, औकात के हिसाब से मांग। मैंने कहा, बेटी ज़रूरी है या पैसे। तब वो मान गया था, उसे लगा था अगर मैं आर्मी की बात कर सकता हूँ तो मेरी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मैं बहुत तेज़ दिमाग लग रहा था। और उसने मेरी बात मान ली, मेरे हाथ में $50,000 थमा दिए थे जो मैं घर लेकर आया था। फिर उन पुलिस वालों को $50,000 मैंने दे दिए थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो पैसे पकड़े, बाहर से रेड पड़ गई, वो करप्ट पुलिस वाले थे, उन्हें तो पकड़ा, $50,000 मुझे वापस दे दिए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश। अब जो उधार लिया है वो मैं वापस कर दूंगा, उस मुश्किल घड़ी में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ उसकी बेटी किसी गैंगस्टर ने किडनैप की होगी, मैं अब अपनी जान का खतरा नहीं ले सकता। जब पैसे लौटाने के लिए गया था उसने पहले से तैयारियां कर ली थी। वो $50,000 लेने से उसने मना कर दिया और मुझे कहा, आर्मी बना। मैंने कहा, आप ये पैसे वापस ले लीजिए। उसने कहा, नहीं अब मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, तुझे मेरे लिए काम करना होगा वरना मैं तुझे मरवा दूंगा। उसने मौत की धमकी दी थी और मैं डर गया, मुझे काम करना ही पड़ रहा था। लेकिन मैंने अपने भाई को वो $50,000 दिए थे और कहा था, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो हम इन पैसों से घर को अच्छे से चला पाएंगे। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं, वो आर्मी किससे लड़ने के लिए बनाई जा रही है। मैंने गलती कर दी लेकिन अब काम तो पूरा करना होगा, जबान दी है तो काम तो पूरा करूँगा ही। उस अमीर आदमी के पास मैं पहुंचा था और उसने मेरे जैसे 30 और लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। वहां एक्स आर्मी ऑफिसर था जो अगले 1.5 महीने तक हमें ट्रेनिंग देने वाला था। वो ऐसी ट्रेनिंग देने वाला था जिससे हम जंगल में जा पाते, उसकी बेटी को बचा पाते। और मैंने उसको कहा, क्या 1.5 महीने में आपकी बेटी जिंदा बच पाएगी। उसने कहा, शायद बच पाएगी लेकिन हमारे पास रास्ता ही क्या है। उस जंगल में एक शैतानी चीज़, शैतानी जीव ने उसकी बेटी को अगवा किया है और वो उसकी बेटी के पीछे बहुत समय से पड़ा हुआ था। उससे लड़ना कोई नहीं चाहता, वो बड़ी बड़ी सेना को हरा सकता है, पुलिस वालों को मार सकता है, वो बहुत खतरनाक है और उसके पास भी एक सेना है। हमें उनका मुकाबला करना होगा और उसकी बेटी को बचा कर लाना होगा। वहाँ कई लोग थे, कुछ की शक्ल देखने के बाद ही मैंने कह दिया था, क्या इन्हें भर्ती करोगे, इन्हें तो ये पता नहीं होगा गोली किस तरफ चलानी है, हमारी तरफ चलाने लगेंगे, क्योंकि उनकी दोनों आँखें एक साथ मिल नहीं पा रही थी तो वो हमारे साथ क्या मिल पाते। ये हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन था, सामने टेबल लगाया गया था और उस टेबल के ऊपर कई चाकू पड़े थे, कई चम्मच पड़े थे, कई बर्तन पड़े थे। और उस आर्मी ऑफिसर ने कहा था, चुन लो अपना हथियार, चुन लो इनमें से कुछ भी जिससे तुम जंग के लिए तैयार रहोगे, मैं सिखाऊंगा इनका इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने टेबल को देखा, वो किचन का सामान था,
वो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू थे और मैंने उसको कहा था, हम कोई भंडारे के हलवाई नहीं हैं, हम जंग लड़ने जा रहे हैं, इनसे हम क्या करेंगे। मेरी ये बात जैसे उसे जलील कर गई थी। वो शर्माता हुआ उस अमीर आदमी के पास गया था और कहने लगा था कि हमें हथियार तो लाने ही होंगे, भले ही इलीगल तरीके से। जंग इनसे नहीं लड़ी जाएगी, हम चम्मचों से उन्हें कैसे मारेंगे। तब उस अमीर आदमी ने कहा था, कल हथियार ला दूंगा। मैं भी खुश हो गया, आखिर हमें हथियार तो मिलेंगे। भले ही मैं मानता हूं इन चाकू का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये 4 इंच के चाकू 4 फुट लंबी तलवार का सामना नहीं कर सकते। अगर सामने से वो घोंपने पर आ गए, हम इस चाकू से क्या करेंगे, दाढ़ी काटेंगे। उस दिन हम 30 लोगों को दाव पेच सिखाए गए थे, कैसे बाजू मरोड़नी है, कैसे टांग मरोड़नी है। WWE के वो सारे दाव पेच सिखाए गए थे उस मिट्टी में। भले ही हमने एक दूसरे को पटका था, लेकिन हर किसी की पीठ में दर्द हो रहा था। पता नहीं वो रेसलर कैसे सह पाते हैं। वो पूरा दिन थकने के बाद अगली सुबह का इंतज़ार किया था। वहीं गेस्ट हाउस बने हुए थे, वहां रहने के बाद अगली सुबह तैयारी हुई। सामने टेबल पड़ा था और अब वहां पर कोई चाकू चम्मच नहीं था, बल्कि तीर कमान था। वहां पर कई तीर पड़े थे, वहां धनुष तीर के अलावा कुछ नहीं था। उसे देखने के बाद मैं कहने लगा, हम क्या इससे लड़ेंगे, ये क्या कोई सतयुग की लड़ाई है। सामने अगर कोई आ गया तो हम कैसे लड़ पाएंगे, तीर कमान से काम नहीं चलेगा। अगर उनके पास बंदूकें हुई, हम तीर मारने की कोशिश करेंगे, सामने से वो गोलियों से हमें छलनी कर देंगे। मैंने उस एक्स आर्मी ऑफिसर को कहा था कि इन हथियारों से हम लड़ नहीं सकते। उसने कहा, नई शादी के बाद नई बहू की तरह नखरे कर रहे हो तुम। ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्मा गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा, इनसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उसने कहा था, लेकिन चलाना तो सीखना ही होगा, अगर वहाँ गोलियाँ खत्म हो गई तो इनसे लड़ा जा सकता है, और वहाँ पौधों की कई डंडियाँ होंगी, उनके इस्तेमाल से आखिरी जंग जीती जा सकती है। मैं उसकी बात समझ गया था, इसीलिए हमने वो धनुष और बाण भी सीखा था चलाना, लेकिन निशाना किसी का सही नहीं था। 2 बार तो मेरी जांग में एक लड़की ने तीर मार दिया था, खून काफ़ी बहा, लेकिन कमीनों ने पट्टी तक नहीं की थी, मिट्टी से जैसे खून रोका था मेरा, वो भी थूक लगाकर। वो दिन किसी तरह से हमने निकाल दिया। ट्रेनिंग में सीखने को बहुत कुछ मिला था, क्योंकि वो एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका था, कई जंग में लड़ भी चुका था, तो उसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया हमने। बस हथियार हमारे पास नहीं थे। 3रा दिन भी आया और इस बार जो टेबल पर हथियार पड़े थे वो साधारण नहीं थे, बंदूकें थी, रिवॉल्वर थे, लेकिन देखने में काफ़ी अजीब से लग रहे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें अच्छे से पॉलिश किया गया हो, लेकिन फिर भी बंदूकें तो बंदूकें ही होती हैं। जब हम उन बंदूकों को चलाने वाले थे, मुझे बंदूकों से डर लगता है, मैंने कहा पहले बाकी चला ले, मैं अंत में चलाऊंगा। 5 लड़कों ने पहले बंदूक चलाई थी, वो 5ों की 5ों बंदूकें फट गई थी। वो कोई अच्छी बंदूकें नहीं थी, बल्कि देसी कट्टे थे जो भारत से मंगवाए गए थे। वो 5ों लड़कों की उंगलियां ढूंढते रह गए हम उस मिट्टी में, लेकिन नहीं मिली, वो उड़ चुकी थी। मुझे लगा अगर मैंने भी वो देसी कट्टा चलाया मेरा तो हाथ फट जाएगा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तीर कमान ज़्यादा अच्छा है, वो धनुष बाण से मैं ज़्यादा लोगों को मार सकता हूँ, ये तो हाथ में फट जाएगा, मैं भी मारा जाऊँगा, मैंने मना कर दिया। और वो एक्स आर्मी ऑफिसर भी कह रहा था कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम 30 लोग थे, अब 25 बचे थे, 5 तो अस्पताल पहुँच चुके थे। इस तरह 3 दिन निकाल दिए थे हमने। ट्रेनिंग आगे आने वाले दिनों में भी हुई। वो आदमी ने कहा था हथियारों का इंतज़ाम किया जा रहा है। 10 दिनों तक हम इंतज़ार करते रहे, रेसलिंग के कई दांव पेच सीखे थे, पेड़ों से छलांग कैसे लगानी है वो सीखी थी, और यहाँ पता लगा था कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा झंडू हूँ, किसी को पीट नहीं पाता था। वो लड़कियाँ भी मुझे पलट कर इस तरह से पीट कर जाती थी कि मैं जीत ही नहीं पा रहा था। वो अमीर आदमी ने मुझे लीडर बनाया था, और यहाँ जितने लोग थे मुझे गालियाँ निकाल कर जाते थे कि साले तू मरवाएगा। मैंने कहा लीडर तो मैं ही हूँ, मैं मरा तो तुम सब मरोगे, इसीलिए मैं वो लीडर हूँ जो सबसे पीछे चलेगा। सबसे पहले तुम गोलियाँ खाना, मैं अंत में देखूँगा, अगर भागने का मौका मिला मैं पीछे से भाग निकलूँगा।
इस तरह ट्रेनिंग चलती रही थी और अंतिम दिनों में वहाँ रिवॉल्वर भी आई थी, गन भी आई थी और राइफल भी मिली थी। हमें इसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक किया, निशाना किसी का सही नहीं था। किसी की गोली दाईं तरफ जाती तो किसी की बाईं तरफ जाती। एक गोली तो मेरी आंखों के करीब से निकली थी, एक कान छलनी कर दिया था छर्रों से एक लड़की ने। मैं सिर्फ गालियां ही निकाल सकता था। पता नहीं उस ट्रेनिंग कैंप में जिंदा कैसे बचे थे हम 20 लोग। 5 तो जख्मी होकर बाहर निकाल दिए गए थे। 20 की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, हम जंगल भेजने के लिए तैयार थे। उस लड़की को बचाने का समय आ गया था। मैं अब भी उस अमीर आदमी को कह रहा था, 1.5 महीना इंतज़ार किया, क्या वो लड़की जिंदा होगी? कहीं जिसने किडनैप किया मार तो नहीं दिया गया होगा? उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरी बेटी को बचा कर लाना होगा। मैं जिसके साथ वादा करता हूँ वो वादा निभाता ज़रूर हूँ, बस सामने हालात मुश्किल नहीं होने चाहिए, फिर मैं नहीं निभा पाता, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं भाग आता हूँ। हथियार देकर, खाने पीने का सामान देकर, और मैंने खुद भी कई हथियार इकट्ठे किए थे। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें अपने उस बड़े बैग में डाल चुका था जिसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करने वाला था। यूट्यूब वीडियो देखकर हथियार बनाने के तरीके सीखे थे, मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। जब अंत में हमारे पास कुछ नहीं होगा, मैं इस तरकीब से बचने की कोशिश करूँगा। जब जंगल की तरफ हम जाने वाले थे, उस अमीर आदमी ने मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को घर से ही उठा लिया था। यहाँ पर एक कमरे में बंद करके वो कह रहा था, अगर तुम खाली हाथ वापस आ गए तो मैं इन्हें जला डालूंगा। मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया। मैं तो रास्ते से भागने की तैयारी करके बैठा था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो इसकी बेटी को बचा कर लाना ही होगा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कितना बड़ा कमीना है ये, मैं इसकी बेटी को बचा कर लाने की बात कर रहा हूँ और ये मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को जलाने की बात कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वो बैग भर के अपने वो 19 साथियों के साथ जंगल में पहुँच गया था। हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। हमारे सामने कोई भी आ जाए, हम उससे डरने वाले नहीं थे। हम 20 के 20 हाथ में बंदूक के लिए, लेकिन हमने सेफ्टी लॉक लगाया हुआ था। ये मेरे ऑर्डर थे। मैंने कहा, चाहे जो हो जाए सेफ्टी लॉक मत नीचे की तरफ करना। सालो एक दूसरे को गोली मार के मार दोगे तुम, सामने तो निशाना लगेगा नहीं तुम्हारा। ऐसा करना, गोली कोई नहीं चलाएगा, अगर कोई करीब आया तो हाथ से छोड़कर मारना, शायद इससे हमें कोई फायदा हो जाए। जिस जगह का हमें नक्शा दिया गया था वो जगह 9 किलोमीटर दूर थी। मैंने सोचा हुआ था 9 किलोमीटर का सफ़र लंबा ज़रूर होगा, मुश्किल नहीं होगा। मैं जिन 19 लोगों के साथ हूँ, हम वेल ट्रेंड हैं, 1.5 महीना हमें ट्रेनिंग दी गई है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो पहले पेड़ के नीचे उड़ती हुई वो चुड़ैल आई थी, जिसे देखकर वो सारे भाग गए, मैं अकेला वहाँ खड़ा था। उन्होंने गोली तक नहीं चलाई, साले सारे पीछे की तरफ भाग गए। मैंने रोकने की कोशिश की थी, कोई नहीं रुका, मैं अकेला था। मैं अगर वापस जाता मेरे माँ बाप को और भाई को मार दिया जाता। मैंने सोचा था कि ये सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सर झुकाया ही नहीं, सर बिल्कुल सीधा था जब पीछे की तरफ भागे थे वो। मैं उस चुड़ैल से ऐसा डरा कि इधर उधर भागने लगा था। स्कूल में मैं ऐसे ही भागा करता था, मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा तेज थे, लेकिन जब मैं दाएं बाएं मुड़ता था कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाता था। मुझे लगा ये चुड़ैल भी मुझे हाथ नहीं लगा पाएगी। मैं कभी दाईं तरफ भागता, कभी बाईं तरफ भागता, लेकिन मेरे दोस्त पीठ को हाथ लगाया करते थे, ये सीधा टांग पर दांत गड़ा रही थी, और मैं फिसल कर गिर गया। जैसे ही मैंने सेफ्टी लॉक हटाया, मुझे बताया गया था कि यहाँ जितने भी जीव हैं उन्हें हथियारों से मारा जा सकता है, इन गोलियों से मारा जा सकता है, ये चुड़ैल को भी गोली से उड़ा दूंगा। मैंने जैसे ही बंदूक उसकी तरफ की, मेरे हाथ पर काटा उस कमीनी ने, मेरी वो गन दूसरी तरफ गिर गई थी। फिर वो मेरे चेहरे के करीब आकर कहने लगी, तुझे तो मार डालूंगी, कोई बच नहीं सकता, यहाँ कोई बच नहीं सकता, मैं तुझे अपने हथियार से नहीं मारूंगी, ये नाखून, ना 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 ना, मैं तुझे तेरी बंदूक से मारूंगी। मेरी वो बंदूक हाथ से फिसल कर कहीं झाड़ियों में गिर गई थी, तो उसने मेरे उस बैग के अंदर से वो देसी कट्टा निकाला
मैं मुस्कुरा रहा था। वो कह रही थी तुझे इससे मारूंगी। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कट्टा मेरी तरफ किया, मैं उसको कहने लगा, इतने करीब से गोली मत मार, इतने करीब से मत मार, मुझे सोचने का समय चाहिए, मुझे बस वो आधा सेकंड चाहिए जब वो कट्टे से गोली निकलेगी और मेरे सर को लगेगी, बस इतना समय चाहिए, थोड़ी दूर से मार सकती है। उसने कहा, ठीक है, मरने वाले की आखिरी इच्छा मैं ज़रूर मानूंगी। मैं मुस्कुरा रहा था। लगभग 10 फुट की दूरी से उसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी। गोली तो मुझे नहीं लगी, पता नहीं गोली किस तरफ जाती थी, लेकिन वो बंदूक फट जाती थी, उसके हाथ में फटी थी, ना खून, हाथ उड़कर कहाँ गए पता ही नहीं चला, वो टुंडी हो चुकी थी, उसके हाथ मौजूद नहीं थे। वो चुड़ैल तड़प रही थी, जमीन पर लेटी हुई थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि छोड़ दे मुझे, तेरा तो दिमाग ही बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था, मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। मुझे लगा चुड़ैल है तो क्या हुआ, तरस तो खाना ही चाहिए ना। मैंने उसे वहाँ से भगा दिया और मेरे 19 साथी पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे, वहाँ से भागे नहीं थे, इंतज़ार कर रहे थे मेरे मरने का। मैं मरा नहीं तो खुशी से वो बाहर आ गए, कहने लगे, सर आप ही हमारे लीडर हैं, एक चुड़ैल को कोई नहीं हरा सकता, आपने बड़ी आसानी से हरा दिया। मैंने कहा, कमीनों तुम छिपे हुए थे तो गोली भी चला सकते थे, अगर वो मुझे मार देती तो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उनकी आंखों में भरोसा नजर नहीं आया था, वो बस मेरे पीछे पीछे चलने वाले थे। मैं आगे चलने लगा, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये भीड़ है, कोई हमारे सामने आता डर जाता कि ये 20 लोग हैं, लेकिन असल में चल एक रहा था, 19 तो भागने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही कुछ पेड़ों को पार किया था, 1 किलोमीटर भी अभी नहीं हुआ था, चुड़ैलों के झुंड ने हम पर हमला कर दिया। ये 20 से ज़्यादा चुड़ैलें थी, हर एक पर एक एक चुड़ैल चढ़ी हुई सर को नोचने की कोशिश कर रही। हम 20 के 20 बीच में थे और वो घेरा बनाकर हमें घेर चुके थे। उसके बाद जैसे ही सबने वो गन निकाली थी, चुड़ैलें एक दूसरे को कह रही थी, ये वो गन है जो हाथ में फटती है, ये हाथ में फटेगी मारे जाएंगे। लेकिन मैं हंस रहा था और अपने साथियों को छिपके से कहा था, चुपचाप गोली चलाओ, इन्हें पता ही नहीं है ये देसी कट्टा नहीं है। मेरे साथी गोली चलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन गोली नहीं चल रही। किसी को भी सेफ्टी लॉक हटाना ही नहीं आता था। हमें गोली चलानी तो सिखा दी गई थी, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर ने हमें लॉक कैसे हटाना है वो बताया ही नहीं था। सीधा लॉक खोल के हमें वो बंदूकें पकड़ाया करते थे, हम गोली चला ही नहीं पाए थे। तब मैंने उनको कहा था, बंदूकें छोड़ कर मारो, सर फोड़ दो इनके। सबने बंदूकें छोड़ छोड़ कर मारी, कई चुड़ैलों के माथे फोड़ डाले थे और वो बेहोश हो गई, लेकिन उनकी संख्या ही बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद वो बंदूकें उन्होंने उठा ली, उन्हें सेफ्टी लॉक खोलना आता था, उन्होंने वो सेफ्टी लॉक खोला और कहने लगी, अब तुम्हारा मरना तय है। हमें पेड़ के साथ जैसे सीधा खड़ा कर दिया गया था, उनके हाथ में बंदूकें थी। मैंने सीधा धमकी दी थी, अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ, तुम में से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हम यहीं रहेंगे, तब तक जंगल से बाहर नहीं जाएंगे जब तक बदला नहीं लेंगे अगर तुमने गोली चलाई। ये ऐसी धमकी थी जो किसी पर भी काम कर जाती, कोई भी इंसान ऐसी धमकी से डर जाता कि सामने वाला बदला लेगा, लेकिन वो इंसान नहीं, वो तो चुड़ैलें थी, गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो तो बंदूकें घटियां थी जिनका निशाना सही नहीं लगता था, इसीलिए हम में से किसी की जांग में तो किसी की टांग में गोली लगी। वो जैसे पहले जिंदा पुलिस वालियां होंगी, इसीलिए उनकी जो गोलियां थी वो टांगों की तरफ निशाना लगा के लगाई गई थी। हम में से कई जख्मी थे, लेकिन फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते भाग रहे थे। वो गोलियों की आवाज़ें, वो जख्मी साथी सब बाहर की तरफ भाग रहे। मैंने कहा, नहीं, भागने का कोई फायदा नहीं, हम बदला तो लेंगे, बदला तो लेंगे। बदला किसी ने नहीं लिया, सबके सब जंगल छोड़कर भाग गए। मैं अकेला था चुड़ैलों के झुंड के बीच, गोलियां मेरे ऊपर बरसाई जा रही और मैं पेड़ों के पीछे छिप रहा था। निशाना उनका भी सही नहीं था और गोलियां जो निकलती थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी निकलती थी। ये डिफेक्टेड माल था, सारी डिफेक्टेड बंदूकें उस अमीर ज़ादे ने खरीदी थी हमारे लिए, अब हम निशाना सही लगा ही नहीं सकते।
मैं भी 1.5 महीने से सोचे जा रहा था मेरा निशाना सही लगता क्यों नहीं, साली बंदूकें ही टेढ़ी थी। उनकी संख्या ज्यादा थी तो मैं क्या करता, जब आपका पहला हथियार काम ना करे तो आपको दूसरा हथियार निकालना पड़ता है। मैंने वो धनुष बाण निकाले थे और मैंने धनुष पर 3 बाण चढ़ाए थे, बिल्कुल बाहुबली की तरह। मुझे लगा था मैं 3 बाण चलाऊंगा और 3 चुड़ैलों को मार दूंगा, 3-3 करके मारूंगा। और जैसे ही वो चुड़ैले मेरे करीब आईं, मैंने 3 बाण मारे थे। वो 3ों बाण 4 फुट की दूरी पर जाकर गिरे और वो चुड़ैले ऐसे हंस रही थी कि उनसे हंसी रोकी नहीं जा रही, ज़मीन पर लोट लोट कर हंस रही। वो मेरे 3 बाण की स्ट्रेटजी समझ ही नहीं पाई थी। वो पूरा झुंड हंस रहा था ज़मीन पर लेटे हुए, लेकिन एक जगह, और उन्हें पता ही नहीं था कि हम सिर्फ बंदूकें और कट्टे ही नहीं लेकर आए थे, ग्रेनेड भी लेकर आए थे। मैंने एक वैसा ही ग्रेनेड उनके बीच फेंक दिया, पूरी की पूरी चुड़ैलों के चिथड़े उड़ गए थे, कोई नहीं बची, मैं बच गया था। इस तरह उन चुड़ैलों का सामना करने के बाद वहाँ 15 मिनट इंतज़ार किया था। मुझे लगा मेरे साथी बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन वो निकले ही नहीं, सारे के सारे भाग चुके थे। अब मैं अकेला था। 1 किलोमीटर का सफ़र करके अब मुझे ऐसा लग रहा था, शुरुआत तो मैंने कर दी है, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। अपने माँ बाप को, अपने भाई को जलता हुआ नहीं देख सकता, कैसे तड़पेंगे वो, मैं सोचे जा रहा था। लेकिन मेरे भाई के तड़पने की बात सोचकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। वो कमीने ने इस जगह फंसाया है, उसका थोड़ा जलना तो बनता है, लेकिन मेरे माँ बाप का जलना सही नहीं होगा, इसीलिए मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब कोई और रास्ता नहीं था। धनुष को कंधे पर टांगे हुए, पीठ पर वो बाणों को टांगे हुए, ऐसा लग रहा था कोई सिपाही पुराने ज़माने का जा रहा है, जिसे निशाना तक लगाना नहीं आता। मैं क्या करूं? मुझे बाण सही से चलाने आते ही नहीं, मैं क्या करूं? फिर मुझे याद आया, जंगल में वो कौन सी कहानी है, वो कौन सी शिक्षा है जो मेरे काम की है। रैम्बो मूवी, बहुत समय पहले रैम्बो मूवी देखी थी मैंने, जिसमें वो हीरो जंगल में जाल बिछाता है, ऐसे जाल बिछाता है कि सामने से जो भी मुकाबला करने की कोशिश करे वो बच नहीं पाता है। मैं भी जाल बिछाऊंगा, लकड़ी से भाला बनाऊंगा, बड़े बड़े भाले मैं इस तरह अपने शरीर पर टांगूंगा कि हमला किसी भी तरफ से हो भाले चुभेंगे। इसीलिए मैंने वो बड़ी सी शॉल ली थी, तेज तीखे भाले अपने शरीर पर टांग लिए थे, ऊपर से शॉल ओढ़ ली थी। किसी को पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कोई मोटा निकल रहा है, जब हमला करेंगे तो भाले पता नहीं कहाँ कहाँ चुभेंगे, फिर जाकर मैं जीत पाऊंगा। मैं अब आगे बढ़ रहा था तो मुझे आसमान में परछाइयां उड़ती हुई दिखने लगी। आप सोच रहे होंगे, आसमान में परछाइयां कैसे? ये काले रंग के कपड़े थे जैसे। मैं देख रहा वो सिर्फ कपड़े नहीं, जैसे कोई जीव हो, गोल गोल घूमने लगे थे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगे। उड़ने वाले वो जीव क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने आसमान की तरफ एक तीर मारा भी था, शायद मेरे तीर मारने से उन्हें कोई नुकसान हो, लेकिन आसमान में मारा गया तीर नीचे आकर मेरे ही कंधे में लगा था। मैं बेवकूफ़ जो हवा में तीर मार रहा था। इस तरह मैं उनसे बचने के लिए पेड़ों के पीछे छिपता। वो नीचे उतर आए थे, उनके पैर नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो भयानक चेहरे, जब वो मेरे करीब आते मेरे शरीर से जैसे कोई धुआं सा निकलता, मेरे शरीर की शक्ति जैसे बहुत कम हो जाती, मेरे अंदर से जैसे शक्ति चूस रहे हों। वो 4 से 5 थे, मेरी शक्ति चूस रहे, मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे। तब मुझे लगा था शायद मेरा मरना तय है, वो मेरे अंदर से धुआं निकाल रहे। और मैंने उनसे पूछा था, तुम कौन हो, कौन हो तुम, क्या चाहिए, मैं उन्हें कैसे मारता जब शरीर ही इतना निढाल हो चुका है। उन्होंने कहा था, हम दम पिशाच हैं जो दम निकालते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे याद आया था, दम पिशाच हैरी पॉटर वाले, ये वही हैं, ये मुझे मार डालेंगे, लेकिन मेरे पास तो वो कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, तो मैंने तीर से ही वो जादू करने की कोशिश की थी। हड़दंगा बड़दंगा झू, मैं तरह तरह के मंत्र बोल रहा, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था।
तब उस तीर से मैंने ये भी कहा था, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने दम पिशाचों को हंसते हुए देखा था, यानी हैरी पॉटर की फिल्म उन्होंने भी देख रखी थी। मैं सोच में पड़ा हूं अब क्या करूं, लेकिन किसी तरह से उन्हें धक्का देकर भागने में कामयाब रहा। वो बहुत तेज थे, वो हवा में उड़ सकते थे। जब मुझे सांस चढ़ती वो मुझे घेर लेते, फिर मैं भागता वो मुझे फिर घेर लेते। मैं सफर तो तय कर चुका था, उनसे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। दम पिशाचों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है जो हैरी पॉटर में भी नहीं बताया गया, मैं सोचने लगा। मेरे पास जो आइडिया आया, मुझे नहीं पता था वो काम करेगा या नहीं करेगा। उन्हें दम पिशाच क्यों कहा जाता है? शायद वो दम मारते होंगे। मैंने अपने उस बैग में दो बीड़ी के बंडल रखे हुए थे। मैंने उन बीड़ी को जलाया और उनके मुंह में ठूंसा और कहा, दम मारो दम। वो सच में दम मारने लगे थे। वो एक एक बीड़ी से ऐसे नशेड़ी हुए, एक दूसरे से लड़ने लगे थे। वो बीड़ी के बंडल को पाना चाहते थे, सिगरेट की डिब्बी को पाना चाहते थे। वो चार पांच दम पिशाच एक दूसरे का दम निकालने लगे। अब उन्हें एक ही काम था, या वो एक दूसरे का दम निकालते या दम मारते। दम मारते हुए धुएं के छल्ले उड़ाते हुए एक दूसरे को खींचे जा रहे। ओ धीरे धीरे नशे में धुत होकर गिर गए। इस तरह एक एक बीड़ी पीकर निढाल हुए दम पिशाच शायद ही दुनिया में किसी ने देखे होंगे। वो बीड़ी के बंडल मैंने फिर से उठा लिए थे। अब वो तो इस रात उठने वाले नहीं, मुझे तो काम करना होगा। आगे और दम पिशाच मिले तो मैं उन्हें एक एक बीड़ी पकड़ाऊंगा, सुलगाऊंगा और वहीं पर गिरा दूंगा। मैं जीत चुका था दम पिशाचों से, लेकिन सफर बहुत ज्यादा लंबा था। मुझे नहीं पता था आगे मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा और आगे गया था और कदमों की आवाज आने लगी। ये कदमों की आवाज इंसानों की नहीं, घोड़ों की थी। जैसे आसपास घोड़ों की रेस लगी हो, कई घोड़े भागे आ रहे इस तरफ। और मैंने करीब से देखा घोड़े की सवारी कर रहे थे सर कटे भूत। उनके सर नहीं थे, हाथ में तलवार। वो पांच थे जो मुझे घेर रहे और मैंने भागना शुरू कर दिया। वो तलवार ऐसे घुमा रहे थे कि अगर मेरे करीब आते शायद मेरा भी सर धड़ से अलग कर देते। मैं जिंदा था, मैं अपना सर धड़ से अलग करवा के क्या करूंगा? ये तो मरे हुए हैं, पता नहीं अपना सर कहां पर छोड़ आए हैं। मैं बस भागे जा रहा, वो मेरे पीछे पीछे। जब कोई घोड़े पर सवार हो आपको मारने की कोशिश करे, आप कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? मुझे नहीं पता था उनसे कैसे बचना है, लेकिन अपने उस बैग से मैं देसी कट्टा तक निकाल नहीं पाया। वो मेरे करीब आ चुके थे, मैं वो बाण भी मार नहीं पा रहा था। बस एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। घोड़े लेकर आप पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते। और तब मैंने उनकी कमजोरी देखी, वो घोड़े से उतर नहीं पा रहे थे। मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ, वो तलवारें पेड़ पर मार रहे जैसे तलवारों से पेड़ को काट डालेंगे, लेकिन वो तलवारें तेज धार नहीं थी। पता नहीं कौन से पत्थरों को काटा था उन तलवारों से उन्होंने। तलवारें बिल्कुल तेज धार नहीं थी, कुछ नहीं हो रहा था उनसे, आवाजें भी वैसी ही आ रही। अब मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ, मैं गालियां निकाल सकता था, वो गालियां तक निकाल नहीं सकते थे। मुंह हो तो गालियां निकाले ना। बस वहां चारों तरफ पेड़ के घूमे जा रहे मैंने सोचा जब थक जाएंगे चले जाएंगे, मैं पेड़ से उतरूंगा नहीं। वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ और कर नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा मेरे पास चाकू है ना, मैंने ऊपर से टहनियों को काट काट कर तीखे भाले बना बना कर जो उन पर फेंके, नीचे से तड़पने लगे थे। मैंने भी वो सर कटे इंसानों के ऊपर ऐसा वार नहीं किया, मैं घोड़े पर वार कर रहा था। घोड़े की पूंछ के करीब, घोड़े के पिछवाड़े के करीब भाले मारे जा रहा और घोड़े उन्हें उछाल उछाल कर फेंकने लगे थे। वो तड़प तड़प कर घोड़े पर चढ़ते, जैसे ही वो घोड़े से उतर जाते वो तड़पने लगते, शरीर जलने लगता, जैसे उन्हें कोई शाप मिला हो कि वो घोड़े की सवारी किए बिना रह नहीं सकते। समझ गया उनकी कमजोरी। मैंने ऊपर से ऐसे भाले मारे, घोड़े भागने लगे, वो घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो पांच थे घोड़े लेकर वहां से कहां फरार हो गए मैं नहीं जानता। मैं नीचे उतर आया था,
मुझे लगा मैं जीत चुका हूं, हरा दिया ऐसे सरकटे इंसानों को। लेकिन वो घोड़े भी कमीने थे, वो समझ गए थे उन पर वार हो रहा है, इसीलिए एक झाड़ियों में जाकर छिप गए। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे आया वो बाहर निकल कर आए। मैं भाग रहा था, अब कैसे पेड़ पर चढ़ूं? वहां कोई भी छोटा पेड़ मिल नहीं रहा था। वो तलवारी लिए मेरे पीछे पीछे। मैंने फिर से दिमाग लगा दिया। वहां ऐसा बांस का झाड़ लगा हुआ, बहुत ज्यादा बांस के पेड़ लगे, उनके बीच घुस गया। अब वो घोड़े लेकर वहां घुस नहीं पा रहे, पतले पतले बांस थे, बीच से निकलता निकलता मैं आगे बढ़ रहा। और वो हर बार, वो तेज धार तलवारें नहीं थी, ये जता रहे, वो उन तलवारों को बांस पर मार रहे, बस टक टक की आवाज आती, होता कुछ नहीं। वो थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, कैसा इंसान आया है जो उनके काबू नहीं आ रहा। मैं निकलते निकलते आगे पहुंचा तो आगे मुझे नदी नजर आई। वो नदी काफी गहरी थी और मेरा दिमाग चलने लगा। अब बताता हूँ साले कमीनों को, मैंने वो बांस के डंडे निकाल लिए थे। घोड़ा लेकर जब मेरे करीब आते मैं बाहर खड़ा हो जाता, बीच से छलांग लगाकर वो बांस के झाड़ में छिप जाता, लेकिन बांस को उन घोड़ों की टांगों में फंसा देता। घोड़े तो गिर जाते, लेकिन वो बिना सर वाले अजीब से भूत नदी में पांचों को गिराया था। अब वो सरकटे भी तड़प रहे, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था, वो तो बह गए। घोड़े रोने लगे, अब घोड़ों को चुप कैसे करवाता? गालियां दी मैंने, सालो उनको ऊपर बिठाते क्यों हो? अब वो रो रहे और मैं वहां से निकल गया। हरा दिया था उन पांचों को, वो कुछ नहीं कर सकते थे, घोड़े अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। आराम से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उस नदी को पार कैसे करता मैं समझ नहीं पा रहा था। नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था, मैंने उन बांस का एक पुल बनाया, उस पुल के ऊपर से निकल कर दूसरी तरफ गया। समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया था मैंने, मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँच पाया था। 5 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका था और नज़दीक था शायद उस जगह के, वो किला सा बना हुआ था। किला, ये किला भयानक लग रहा है, शायद इस किले में जाऊँगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ अभी मैं किले तक नहीं पहुँचा था, आगे मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे अंदाजा तक नहीं था। अब मैं वहां से आगे बढ़ा तो मुझे 3 लड़कियां नजर आईं। 3 लड़कियों की पीठ मेरी तरफ थी, उनके नाखून बड़े बड़े थे। यकीनन ये चुड़ैले होंगी या डायने होंगी, ये मुझे मार डालेंगी, मैं क्या करूं? उनकी पीठ मेरी तरफ है, उन्हें पता लगेगा ही नहीं, मैं करीब से गुजर जाऊंगा, पता लगने ही नहीं दूंगा। जैसे ही मैं उनके करीब से गुजरने वाला था, उन्होंने अपने चेहरे मेरी तरफ किए, उन्होंने अपने नाखून मेरे सर पर रख दिए थे और मुझे लगा मैं मारा गया, अब नहीं बचने वाला। लेकिन बड़े प्यार से मेरे सर को छुआ था, मेरे सर में खुजली हो रही थी, उन्होंने खुजली कर दी, मज़ा ही बहुत ज़्यादा आया। मैं तब सोचने लगा था ये कैसी खुजली वाली पिशाचनियाँ हैं, और वो मेरे दिमाग को असल में पढ़ रही थी। वो ऐसी पिशाचनियाँ थी जो रूप बदल सकती हैं, वो मुझे बहकाने के लिए वहाँ मौजूद थी। वो तीनों उस रूप में आ गई जिन लड़कियों को जिंदगी में कभी मैंने प्यार किया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं जैसे उनसे लगाव किया करता था, लेकिन कभी उन्हें पा ही नहीं सका। एक तरफा प्यार किया था मैंने। सबसे पहली लड़की जो 8वीं कक्षा में मेरी क्रश हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी मेरे सामने थी। वो मेरे सामने नाचने लगी थी, गाना भी वही वाला, ब्राज़ील उला ला 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 ला, वो इस गाने पर नाच रही। 8वीं कक्षा में जब फेयरवेल पार्टी हुई थी, वो इसी गाने पर नाची थी और ये पिशाचनी ने वही रूप धारण कर लिया था और बड़े प्यार से मुझे कह रही थी मैं तुम्हारी जिंदगी मना दूंगी। मैंने भी उसको कहा बिल्कुल जैसे उसने मेरी जिंदगी झंड बना दी थी, तू भी मेरी जिंदगी झंड बना देगी। उसकी एक टांग लंबी थी, एक टांग छोटी थी, ये पिशाचनी भी बिल्कुल वैसी बन गई थी। नाचने की कोशिश कर रही, बार बार लड़खड़ा कर गिर जाती, जैसे वो लड़की फेयरवेल पार्टी में गिरती जा रही थी। शुरू शुरू में मुझे उस पर क्रश इसलिए हुआ था, मुझे लगा करता था कैसे मटक मटक कर चलती है, असल में वो मटक कर नहीं चलती थी, उसकी टांग ही बड़ी छोटी थी, उसे इसी तरह मटक कर चलना पड़ता था वरना गिर जाती थी।
उस पिशाचनी ने भी कोशिश की नाचने की। मेरा दिमाग तो पड़ चुकी थी, लेकिन एक पिशाचनी भी बड़ी छोटी टांग से वो वाला डांस नहीं कर पाई, गिरती रही। और मैंने कहा, तू तो बहुत गिरी हुई है, मैं तुझसे दोबारा कभी प्यार नहीं कर सकता। मैंने पिशाचनी को रोकर भागते हुए देखा था, किसी ने पिशाचनी को हरा दिया था, लेकिन वो तीन थी और दूसरी 12वीं कक्षा में मेरी क्रश का रूप धारण कर चुकी थी। मैं कभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, उसके नैन मुझे नशीले लगा करते थे। उसके नैन आपस में मिलते ही नहीं थे, दोनों आंखें टेढ़ी थी, इसीलिए मुझे पता लगता ही नहीं था कि वो मेरी तरफ देख रही है या किसी और की तरफ। वो किसी और से प्यार करती थी, उसकी तरफ देखा करती थी प्यार से, लेकिन आंखें टेढ़ी होने के कारण मुझे लगा करता था मेरी तरफ देख रही है, इसीलिए मैं इश्क कर बैठा था उससे। आज वही चेहरा मेरे सामने था और मेरी तरफ देख रहा। मुझे गुस्सा इसी चीज़ पर था, वो पिशाचिनी कमीनी उस लड़की जैसी तो बन गई, लेकिन मेरी तरफ देख रही है, यानी अब भी देख असल में किसी और तरफ रही है, नजरें मेरी तरफ लड़ा रही है। गुस्सा आया मुझे, गुस्सा। मैं 12वीं कक्षा में कितना रोया था बता नहीं सकता, जब मैं प्यार का इजहार करने के लिए उसके करीब गया और मैंने कहा, तुम मुझे जितने प्यार से देखती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने कहा था, तू है कौन, तुझे मैंने पहली बार देखा है। मैंने कहा, तू हर बार मेरी तरफ देखती तो रहती है। उसने कहा, मेरी नज़रें कहीं और होती हैं, निशाना कहीं और होता है। मैंने कहा, मुझ पर निशाना लगा, एक बार मुझ पर निशाना लगा के देख ले। उसने वो पेंसिल मेरी छाती में गड़ा डाली थी और कहा था, लगा दिया निशाना, भाग जा यहाँ से। कितना रोया था मैं बता नहीं सकता, ये पिशाचनी पर मैंने गुस्सा निकाला था। मेरी प्रेमिका का रूप तो धारण कर लिया था, लेकिन नीचे वो बड़ा पत्थर पड़ा था, वो पत्थर उठाकर मैं सर पर मारता गया मारता गया। उस लड़की का गुस्सा मैंने इस पिशाचनी पर कैसा निकाला, भाग निकली थी वो। अब तीसरी पिशाचनी, कॉलेज में मेरा क्रश, वो पिशाचनी वो बनी हुई थी जिस पर मेरा क्रश था। कैसे नकारता उसे, कॉलेज में मेरा सच्चा प्यार बन गई थी वो। कहाँ से बताना शुरू करूं उसके बारे में। मेरे दोस्त कहा करते थे, प्यार सांप की तरह डसता है, सांप की तरह, और मेरी ये क्रश भी सांप की तरह थी। इसका एक आगे वाला दांत बाहर की तरफ निकला हुआ था। मैं उस समय उससे डंस होना चाहता था। मैं सोचा करता था, अगर इसे किस करूंगा तो कैसे करूंगा, क्या इसका दांत मेरी गर्दन के आर पार नहीं हो जाएगा। मैं सोचा करता था और उसके दांत की तरफ देखता रहता था। बाकी उसे खूबसूरत नहीं कहते थे, मैं भी उसे कौन सा खूबसूरत समझता था। पता नहीं क्यों उसके दांत की तरफ देखते देखते उससे प्यार हो गया था। मैं नहीं जानता मुझे उससे प्यार हुआ था या उसके दांत से प्यार हुआ था। मैं जख्मी होना चाहता था, मैं मरना चाहता था उस दांत के जख्म से। मैं चाहता था उसे किस करना, लेकिन उसमें कभी हिम्मत नहीं हुई। वो खुद को किसी केस में फंसवाना नहीं चाहती थी, हमेशा बचती रही। और एक दिन जब कॉलेज में छुट्टी हुई थी, शाम के वक्त मैंने उससे कहा था, एक बार मुझसे मिल लो, मेरे दिल की बात जान लो, उसके बाद दूर चली जाना, मुझे कोई गम नहीं होगा। वो मिलने आई थी सज सवर कर, लिपस्टिक भी उसने होठों पर नहीं दांतों पर लगाई थी। मैंने प्यार का इजहार कर दिया था और वो भी मान गई थी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं मानी कि मैं उसके होठों पर किस करूँ। उसने कहा, मेरा दांत तुम्हारे मुँह के आर पार चला जाएगा। मैंने उसकी ठुड्डी पर किस किया था, ये मेरा पहला किस था जो मैंने किसी लड़की को किया था। वो मेरे प्यार में पड़ गई थी और मैं उसके प्यार में पड़ गया था, लेकिन प्यार को बचा नहीं पाया। कोई और था जो उससे सच्चा प्यार करता था, वो उसे बहला फुसला कर मुझसे दूर ले गया। वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, उसने कभी उससे पूछा ही नहीं था। मैंने प्यार का इजहार किया तो वो मान गई, उसे लगा वो लड़का उससे कैसे मानेगा। लेकिन जब उसने मेरे साथ उस लड़की को देखा था, उसने भी प्यार का इजहार कर दिया, वो लड़की मान गई थी। सब कहते थे उनकी जोड़ी बेस्ट है। वो लड़की लंबे दांत वाली थी और वो लड़का बूढ़ा था, उसके दांत नहीं थे, टूट चुके थे। दोनों का प्यार महान प्यार बना और वो किस भी कर सकते थे। मैं रोता रहा था और ये पिशाचनी ने उस लड़की का रूप धारण किया था।
वो तीखा दांत लेकर मेरे सामने मटक मटक कर नाच रही और कह रही, मैं सच्चा प्यार हूं तुम्हारा, आ जाओ मुझे अपना लो। मैं कभी लड़कियों के सामने गाली नहीं निकालता और किसी लड़की को गाली निकालूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बार उस पिशाचनी को ऐसी माँ बहन की गालियां दी थी, मेरे खुद कान के पर्दे फटने को हो गए थे। पत्थर निकालकर मैं उसकी छाती पर बैठ गया था। वो कह रही थी मुझे मत मारो। मैंने कहा मारूंगा नहीं, तेरे ये दांत को तोड़ना है। ये जहरीला दांत मुझे मेरी जवानी के वो बुरे दिनों को याद दिलाता है। पत्थर मार मार के मैंने वो तीखा वाला दांत तोड़ दिया था। तब जाकर उसके खून मुंह से निकल रहा और वो पिशाचनी रोती रोती भागी थी और कह रही, कमीने मुझसे गुस्सा क्यों कर रहा है, प्रेमिका से कर। मैंने कहा वो मेरी प्रेमिका नहीं है। तीनों पिशाचनियाँ भाग गई, मेरे अंदर जैसे वो जख्म ताज़ा कर दिए थे इन्होंने। मैं क्या करता, रोता रोता आगे बढ़ रहा। आगे पहुंचा था तो मुझे चार पिशाचों ने घेर लिया। वो मुझ पर हमला करना चाहते थे और मैंने कहा रुको, मुझे रोने दो, मुझे बहुत दुख लगा है, प्रेमिका याद दिला दी उन पिशाचनियों ने, वो कमीनी। वो पिशाचों ने मुझ पर हमला नहीं किया, वो सांत्वना दे रहे थे। मुझे गले से लगाया और कहने लगे, लड़कियाँ बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। उन्होंने अपने प्यार की कहानियाँ सुनाई थी मुझे, मैंने अपने प्यार की वो कहानियाँ सुनाई, कैसे बचपन से कभी तो नैन मटक्के वाली लड़की से दूर रहा, कभी छोटे बड़े पैरों वाली से, कभी बड़े दांत वाली ने धोखा दिया। मैं क्या करूँ, वो चार पिशाच थे जो किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते, मेरे सामने फूट फूट कर रो रहे थे, मुझे गले से लगा कर रोए थे और कह रहे थे तुम्हारा दुख तो खत्म ही नहीं होता। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ मैं। वो खुद मुझे उस किले में लेकर गए थे। आगे जितने भी प्रेत भूत आए, खुद पीट पीट कर भगाया। उन्होंने कहा ये हमारा मेहमान है, मुझे उस किले में लेकर गए थे। और उसके बाद जब मैं किले में पहुंचा, माहौल अलग था। वहां पर पिशाचों का राजा था, सर पर मुकुट पहने हुए, हाथ में तलवार पकड़े हुए। मुझे लगा इसका मुकाबला कैसे करूंगा। तब उन पिशाचों ने कहा था इन्होंने किडनैप किया है उस लड़की को, इन्होंने किया है, इन्होंने जंगल में देखा था उस लड़की को, उसके बाद वो लड़की यहाँ आ गई। मैं उस पिशाच के सामने खड़ा हो गया था और कह रहा था मैं उसे लेकर जाने आया हूँ, मैं उसे उसके पिता को सौंपने के लिए आया हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं रास्ते में हर अड़चन को मिटाते हुए आया हूँ और अगर तुम्हें लग रहा है तुम मुझसे जीत सकते हो तो ऐसा नहीं है, तुम नहीं जीत पाओगे। उसकी आंखों में वो खून मैं साफ देख पा रहा था, जैसे ये आखिरी युद्ध था, ये इस कहानी का क्लाइमैक्स था। और मैं सोच बैठा था युद्ध इतना खतरनाक होगा, जिंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा, हो सकता है मैं मारा जाऊं लेकिन कोशिश तो पूरी करूंगा। उस पिशाच ने कहा था सब पिशाच यहां रुकेंगे, मैं अकेले में इससे युद्ध करना चाहूँगा अकेले में। वो जंगल में एक खास जगह मुझे लेकर गया था, रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में मुझे एक रिंग में लेकर गया और उसके बाद दूर दूर तक देखता गया कोई है तो नहीं। गालियाँ निकाली उसने, कसम दी सबको, गालियाँ डाली थी उस जगह पर कि कोई यहाँ होना नहीं चाहिए वरना उसके साथ ये से ये हो जाएगा। किसी की आवाज़ नहीं आई। तब उसने मेरे पाँव पकड़ कर कहा था ले जाओ उसे, उसे मुझसे दूर कर दे। मैंने कहा ये कैसा पिशाच है, मेरे पाँव पड़ चुका है। उसने कहा मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, वो खुद घर से भाग कर आई है, मेरे पीछे पड़ी है, ले जा उसे, कोई उसे हरा नहीं पा रहा, वो तो मेरे पीछे ऐसे पड़ी है, मुझे सच्चा प्यार कहती है, ले जा उसे। वो पाँव पड़ रहा, खुद कह रहा ले जा, वो खुद जाना नहीं चाहती, डेढ़ महीने से यहाँ पर है, इनका सारा राशन पानी खा चुकी है, जाना नहीं चाहती। मैंने उसको कहा अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ी है सबको सच बता दो, सच्चा प्यार सामने आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा मैं नहीं कर सकता उससे शादी, वो मेरा सच्चा प्यार नहीं है, ले जाओ उसे। तब मैं सोच में पड़ा हुआ था कितनी खतरनाक होगी, पिशाचों का राजा खुद उससे डरता है। पिशाचों के किले तक पहुंच गई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और पिशाच से प्यार करती है, वो खुद डर रहा है, कितनी खतरनाक होगी। लेकिन तभी मुझे अपने माँ बाप याद आए, अपना भाई याद आया, वो जला दिया जाएगा,
मुझे उसे यहां से लेकर जाना ही होगा। मैंने उस पिशाच को कहा था कि जाकर उसे कह दे उसे कोई बचाने आया है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे यहाँ से ले जाने आया है, इन सब से लड़ के यहाँ तक पहुँचा है। पिशाच खुशी खुशी उसे बताने के लिए चला गया और कहने लगा वो मान गई, वो खुद ऐसा प्यार ढूंढ रही थी जो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए, वो मुझे पसंद करने लगी थी। तभी वो शयन कक्ष से बाहर निकली, छोटे दरवाजे को फाड़ते हुए, उसका वजन 200 किलो था, इतनी मोटी थी, चेहरे पर बाल आए हुए थे, वो बस खाती रहती थी और बैठी रहती थी, प्यार का इंतज़ार कर रही थी बैठे बैठे। और उसने कहा बैठे बैठे मैं मोटी हो गई, मेरी नज़रों से उसकी नज़रें मिली थी, मेरी नज़रें फूल गई थी, ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी, और उसकी आँखों में वो प्यार देखा था जो प्यार मैं पाना नहीं चाहता था। क्या करता, भागने की कोशिश की, उसने भागने नहीं दिया मुझे, उस जंगल से उसने उठाकर पार किया था, मुझे जंगल से बाहर वो लेकर आई थी, थकने तक नहीं दिया था, वो जैसे घोड़े की तरह थी, मुझे लेकर इतनी खुशी खुशी आई थी। अब उसका पिता भी खुश था, मेरे माँ बाप को उन्होंने छोड़ दिया था, मेरे भाई को छोड़ दिया था, अपनी बेटी को पाकर वो खुश थे। और वो लड़की कह रही मैं अकेली नहीं आई हूँ, आपके दामाद को लेकर आई हूँ, मैं पाँव पड़ा था उस लड़की के, उसके बाप के पाँव पड़ा था, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, उस लड़की से मेरी शादी करवाई थी, मैं सच्चा प्यार ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिला, शायद उसे मिल गया। और कहते हैं प्यार का वजन भारी होता है, मेरे का बहुत ज़्यादा भारी है। हमारी शादी बड़े गुप्त तरीके से हुई थी, वहाँ वो भूत, वो प्रेत, वो पिशाच आए थे नाचने के लिए, और वो तीन कमीनी पिशाचनियाँ मेरी प्रेमिकाओं का रूप धारण करके चिड़ा चिड़ा कर नाची थी। मैं क्या बताऊँ, क्या दुख सहे थे मैंने, वो जैसे कोई भयानक राक्षस जैसी थी मेरी बीवी, जो बन गई वो भयानक राक्षस जैसी लग रही थी। मैं अपनी ये भयानक कहानी किसी को बताता नहीं, उस तक ही बताता हूँ जहाँ तक लोग सह सकते हैं। ये कहानी अगर आपको सच में भयानक लगी तो मैं आगे की कहानी तो बता ही नहीं सकता। वो सुहागरात इतनी भयानक थी, सुनकर आपकी मौत भी हो सकती है, और मैं किसी को मारना नहीं चाहता।